गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास ये यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साजून की कनाडा वीडियो को, तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे रेड बटन के साथ, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलती शुरू करते हैं हमारे 806 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल जनरल सिक्योरिटी इन TMC पार्टी बाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने TMC पार्टी के लिए किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया, अध्यक्ष किया, वो किया अभिषेक बनर्जी को। किसको किया है? ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को जो है राष्ट्रीय जो है सचिव नियुक्त किया है, महासचिव। जबकि कुणाल घोष को स्टेट जनरल सेक्रेटरी और बंगाली अभिनेत्री शिवानी घोष को पार्टी के यूथ विंग की जो है कमान सौंपी है ममता बनर्जी ने। रिवीजन करते हैं क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो किसने किया? रक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में किसने मॉडल किरायेदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने दिए? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया? तो कितने को? 6 हाईटेक सबमरीन के लिए। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व भर में? तो है विश्व पर्यावरण दिवस। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण किया जारी किया? तो तीसरा। कौन सा? तीसरा। किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है? तो किसने लिए? वो लिए क्यूरोसिटी रोवर ने। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली हु हैज़ बैन द दिल्ली गवर्नमेंट डोर टू डोर रूटेन स्कीम? हाल ही में केंद्र दिल्ली सरकार ने घर घर राशन जो योजना है उस पर रोक लगा दी। तो किसने लगाई है? वो के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर जो है रोक लगाई है। हाल ही में जो है अरविंद केजरीवाल ने जो है घर घर योजना जो है उस पर शुरू की थी और केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, जिससे क्या सरकार 72 लाख लोगों को घर घर तक जो है राशन पहुँचाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ सस्पेंडेड द अकाउंट ऑफ फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2 ईयर्स? 2 वर्ष के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया? हाल ही में तो किसने किया? वो किया फेसबुक ने। राइट आंसर क्या है? फेसबुक। फेसबुक कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी, उसने किया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक की इस कार्रवाई को 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती बताया है। उन्होंने 2020 के चुनाव में ट्रंप को वोट दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी चाइनीज कंपनी हैव रिसेंटली बीन बैंड बाय द बाइडन गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के बाइडन गवर्नमेंट है उसने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को बैन कर दिया? तो कितनी चीन की कंपनियों को जो है बैन किया है बाइडन सरकार ने? तो वह 28 कंपनियों को। इन कंपनियों का नाम ट्रंप सरकार की बनाई ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, और इन सभी 28 कंपनियों पर टेक्नोलॉजी के मानवाधिकार हनन में इस्तेमाल होने का जो है आरोप है। क्वेश्चन नंबर 5, टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू वेबसाइट ऑफ IITTM इन हाउ मेनी लैंग्वेज? पर्यटन मंत्री अपने प्रहलाद सिंह पटेल उन्होंने कितनी भाषाओं में जो IITTM की जो नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो कितनी भाषाओं में? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 108 भाषाओं में जो है इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, नई वेबसाइट को लॉन्च किया। और ये वेबसाइट विश्व की जो है 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में, साथ ही हाल ही में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम संचार संगोष्ठी उसका उद्घाटन किया गया। देखते हैं आज का सवाल, और जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम होंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन आपके लिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ टेट सर्टिफिकेट फ्रॉम 7 ईयर टू हाउ मच? केंद्र सरकार ने जो टेट का प्रमाण पत्र है उसकी मान्यता अब 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वो अब आपको बताना है। ऑप्शन आपके लिए 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या उम्र भर के लिए। जल्दी जल्दी अपना आंसर देंगे, और सही आंसर देने वाले विजेता को नाम होंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, बाई विच ईयर रेलवे हैज़ प्लान टू प्रीपेयर इलेक्ट्रीफाइड बैलेंस्ड बोर्ड गेज रूट? रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकरण संतुलित ब्रॉड गेज
रूट तैयार करने की जो है योजना बनाई है, तो कब के लिए 2023 तक। राइट आंसर 2023। इस वर्ष तक जो है ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक संचालन ट्रेनें होंगी, और जबकि वर्ष 2030 तक देश भर में रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 6 मई, जो 6 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। 6 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 90 के दशक में एक ब्रिटिश महिला मेरी इवांस ने शुरू की थी, ताकि लोग जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार कर सके जैसे वो हैं। मोटिवेशन लाइन आज की क्या है, मोटिवेशन लाइन आज की मोटिवेशन लाइन है, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ मनने तक विश्वास मनाए रखना। बहुत खूब लाइन है आपके लिए, जो है बेस्ट मोटिवेशन लाइन होगी ये, अमल की जरूरत रहेगी आपको इस पर अमल करने की। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेता होना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2021। नीति आयोग ने SDG भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने अपने शीर्षक स्थान पर करार है, तो किसने वह फर्स्ट पोजिशन पर, केरल। राइट आंसर क्या डी था, और सबसे नीचे है वह बिहार, सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, बिहार। और केरल का कितना था, 75 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे थी, और बिहार सबसे लास्ट पे। और सही आंसर दिया उनमें है अभिजीत राज, जैन शर्मा, मौसम कुमार, ये पहले 3 स्थान, उसके बाद है सोहन कुमार, शरण कुमार, रोहित कश्यप और ज्योति यादव। उम्मीद करें वीडियो पसंद है, वीडियो फटाफट लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन वाले किसी वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।